गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री में आज अपन गैसीय स्टेट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। गैसों के कौन कौन से नियम है, तो पहला नियम है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस इसको यू लिख सकते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वॉल्यूम ऑफ गैसे द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इन मैथमेटिकल टर्म्स में इसको यू लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कॉन्स्टेंट लगेगा, के अपॉन पी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसी को लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल के। पी वी इज इक्वल के मीन्स यू कह सकते हैं कि अगर कोई भी गैस है तो उस किसी भी गैस के निश्चित मात्रा में उसके प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं ये इक्वेशन वन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर दो डिफरेंट गैस ली जाए, दो डिफरेंट कंडीशन ली जाए तो उस कंडीशन में इसी को यू लिख सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल पी टू वी टू। पी वन वी वन इज इक्वल पी टू वी टू। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस इक्वेशन पी वन वी वन इज इक्वल पी टू वी टू, इन चारों में से आपको तीन वैल्यू दे रखी होती है और चौथी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो इस प्रकार से बॉयल नियम के थ्रू अपन कर सकते हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।